बॉलीवुड अदाकारा और मॉडल यामी गौतम के हाँ शादी के 3 साल बाद पहले बच्चे की पैदाइश हो गई। यामी गौतम ने जून 2021 में आदित्य धीर से शादी की थी और रवां वर्ष जनवरी में दोनों ने अपने हाँ जल्द पहले बच्चे की मुतवक्के पैदाइश का ऐलान किया था। बच्चे की मुतवक्के पैदाइश की वजह से यामी गौतम कुछ अरसे से स्क्रीन से दूर थी, तहम वो फोटोशूट और तकारीब में दिखाई देती रहीं। अदाकारा और इनके शौहर आदित्य धीर ने एक ही पोस्ट को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए बताया कि इनके हाँ 20 मई को बेटे की पैदाइश हुई। दोनों ने अपनी पोस्ट में बताया कि इनके हाँ पहले बच्चे की पैदाइश हिंदू मजहब के खसूसी दिन हुई, जिस पर इन्होंने बेटे का नाम हिंदू मजहब से मुतासिर होकर रखा। यामी गौतम और इनके शौहर ने बताया कि इन्होंने बेटे का नाम वेदा विद रखा है और बच्चे की पैदाइश भारत के ही अस्पताल में हुई। अदाकारा ने डॉक्टर समैद अस्पताल के स्टाफ का भी शुक्रिया अदा किया, जबकि नेक ख्वाहिशात पर इन्होंने मदाहों का भी शुक्रिया अदा किया। अदाकारा के हाँ पहले बच्चे की पैदाइश पर शोबी शख्सियात और सियासी अफराद समेत इनके मदाहों ने इन्हें मुबारकबाद पेश की।